आप लोग का सूर्या टेक्निकल चैनल में स्वागत है। हम सिर्फ काम की बात करते हैं, फालतू में यहाँ पे हम बकवास नहीं करते, सिर्फ काम की बात करके आपको बताएंगे कि क्या है इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करें बिहार आईटीआई का फॉर्म एप्लीकेशन पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड करने के बारे में। ठीक है, आपको एडमिशन के समय ये मांगा जाएगा पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों, इसीलिए आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और इसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रक्रिया बताना है। उसके बाद आपको गूगल पे जाकर बीसीसी बिहार लिख के सर्च कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया बीसीसी बिहार लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है बीसीसी बिहार पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। बीसीसी बिहार पे लिख के क्लिक करने के बाद ये साइट ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड वेट कर लेते हैं, साइट थोड़ा बिजी। तो आप देख सकते हैं कि ये साइट पूरी तरह से ओपन होके आ चुका है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, हल्का नीचे जा जाना होगा और पांच नंबर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2023 आपको नामांकन कराने समय ये 100% मांगेगा। बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपका डिमांड किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक है, आपको एडमिशन तक आपको पांच नंबर पॉइंट पे क्लिक कर लेना है। ये सीरियल नंबर हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट 2023। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको क्लिक करने के बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड करने के लिए इसी पे क्लिक करने के बाद आपको फॉरगेट आईडी पासवर्ड, अगर आपको याद है तो आपको आईडी पासवर्ड डाल लेना होगा, और नहीं याद है तो अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आपको डाउनलोड करने के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड करने के लिए आपको यूजर आईडी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोल रहा है ईमेल एड्रेस डालने के लिए आईटीआई में जो दिए थे सो। उसके बाद आपको पासवर्ड इसमें लिख देना है सही सही। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे लिखा हुआ है 313146, इसमें भी 313146 लिख देना है। जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख देना है, ये सब हमेशा चेंज होता रहेगा ये सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको साइन इन क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस आ जाएगा। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं है किसी का, इसीलिए हम डाउनलोड करके नहीं दिखा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।